नमस्कार दोस्तों, यवन के स्टूडियो की और एक ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे साउंड क्राफ्ट का सबसे अच्छा बजट मिक्सर जो कि है EFX 8। बहुत ही अच्छा मिक्सर है साउंड क्राफ्ट का, आपको पहले से भी बता चुका हूँ, बहुत सारे वीडियो हमने साउंड क्राफ्ट के ऊपर बनाया है। तो मिक्सर अप्रोक्सीमेटली सेम है, दूसरे वीडियो भी आप देख लीजिए। इसमें क्या खासियत है मैं बस उसको बताने जा रहा हूँ बहुत जल्दी में। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो साउंड क्राफ्ट की जो EFX 8 है, ये इफेक्ट प्रोसेसर है, इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे लेक्सिकन की जो इफेक्ट प्रोसेसर है जो कि जनरली आपकी EFX सीरीज़ में रहता है, तो इसीलिए इसको EFX 8 बोला जाता है। 8 इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे आपकी 8 XLR इनपुट्स है यहाँ पे। और यहाँ पे आप देखिए, एक चैनल के बारे में हम पूरा डिटेल में बात कर लेंगे, फेडर से लेके आपकी जो ऑक्सिलरी ऑक्स वन ये है, और ये सेक्शन आपका यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ये वाला जो सेक्शन है आपको मैं बता देता हूँ, थोड़ा और क्लैरिटी में हम देखेंगे। ये सेक्शन आपका पहले आ जाता है XLR आप माइक इन के लिए है। आप फैंटम पावर भी इसमें डाल सकते हैं, यहाँ पे फैंटम पावर का बटन है, इसको अगर आप दबा देंगे तो यहाँ 48 वोल्ट आ जाएगा। और उसके बाद ये लाइन इन है, यहाँ इंसर्ट लाइन इन मतलब आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे डाल सकते हैं, चाहे वो गिटार हो, चाहे आप कीबोर्ड हो, कोई भी डायरेक्ट जिसमें TRS लिंक लगा होगा 6.3 mm, इसमें आप डाल सकते हो। उसके बाद इंसर्ट है, यहाँ पे कोई भी आप आउटर इफेक्ट्स डाल सकते हो, जैसे कि कंप्रेसर डाल सकते हो, लिमिटर डाल सकते हो, कुछ भी यहाँ पे डाल सकते हो, ये वाले यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, यही इंसर्ट। उसके बाद गेन बढ़ा सकते हो इस सेक्शन का, इस चैनल का। उसके बाद ये है आपका इक्वलाइजर सेक्शन, यहाँ पे इक्वल सेक्शन आप देख सकते हैं अच्छे से। यहाँ पे आपके हाई फ्रीक्वेंसी, उसके बाद यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी का दो बटन, और उसके बाद लो फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब आपके हो जाते हैं ट्रिबल, और लो फ्रीक्वेंसी मीडियम फ्रीक्वेंसी मतलब जो वोकल के लिए यूज होता है। यहाँ पे आपको दो नॉब इसीलिए दिया गया है, एक में आपको दिया जाता है फ्रीक्वेंसी चूज करने के लिए, दूसरे में आपको DB के लिए दिया जाता है। और यहाँ पे आपका लो फ्रीक्वेंसी DB में दिया गया है, आप चाहे तो इसको बेस बढ़ाने के लिए घटाने के लिए कर सकते हो, आगे करेंगे तो बूस्ट होगा, पीछे करेंगे तो कट होगा। ये हो गया इक्यू सेक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे आपके ऑक्स के लिए एक ऑक्सिलरी सप्लाई के लिए दिया गया है ऑक्स सेक्शन। अगर आप यहाँ पे कुछ करते हैं तो ऑक्स सेक्शन की जो ये नॉब है, अगर ऑक्सिलरी सेक्शन में आप कुछ भी आप इंसर्ट करते हैं या कुछ भी डालते हैं, तो अगर कोई भी इफेक्ट्स डालते हैं ऑक्सिलरी सेक्शन स्पेशल इफेक्ट्स, तो इस बटन को आप आगे पीछे करके आप उस इफेक्ट को इस चैनल पर दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है इफेक्ट सेक्शन जो कि मेन सेक्शन है लेक्सिकन की। चलिए उसके ऊपर मैं थोड़ा बात कर लेते हैं इफेक्ट सेक्शन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे 24-bit डिजिटल इफेक्ट प्रोसेसर है लेक्सिकन की, बहुत अच्छी इफेक्ट्स है इसमें, चैम्बर इफेक्ट, स्टूडियो रिवर्ब, रिवर्स है, फ्लेंजर्स है, कोरस है, बहुत सारे इफेक्ट्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस ये पर्टिकुलर सेक्शन के ऊपर हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे लेक्सिकन की 24-bit डिजिटल प्रोसेसर के ऊपर। अभी इसके लिए इतना ही जान लीजिए कि ये कोरस, फ्लेंजर, डीले, रिवर्ब सारे चीज़ देता है, ये बहुत अच्छी चीज़ है ये। अब उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं पूरी श्रृंखला में, और यहाँ पे आगे चलेंगे तो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ क्लोजली। जैसे कि हम लोग ये सेक्शन पे, यहाँ पे आपकी पैन का बटन है इफेक्ट के बाद जो येलो वाला, यहाँ पे PFL प्री फेड लिसिन, इसका काम क्या है, इसका म्यूट है, म्यूट कर देंगे तो पूरा सेक्शन म्यूट हो जाएगा। ये पीक मीटर ज़्यादा आ गया तो पीक आ जाएगी, ये आपकी फेडर है वॉल्यूम बढ़ाने के लिए घटाने के लिए। मैं PFL के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्या PFL यूज़ करने से क्या फ़ायदा होगा। अगर सपोज यहाँ आप PFL ऑन कर देते हैं, इस चैनल का PFL यहाँ पे PFL ऑन कर देते हैं, तो इस चैनल का आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पे अगर वो चैनल की आउटपुट यहाँ पे दिखाती है तो आपको एक फ़ायदा होगा। सपोज इस चैनल में कुछ अगर गड़बड़ होगा तो यहाँ पे आपको सारा चीज़ हेडफोन पे सुनाई देगी, हेडफोन है, पूरा चीज़ आपको सुनाई देगी। ये मास्टर्स फेडर्स है और सारे चीज़ यहाँ पे आउटपुट आप ले सकते हैं। यहाँ पे आप चाहे तो एक्सटर्नल कुछ भी लगा सकते हैं, लिमिटर, कंप्रेसर, डायरेक्ट पूरा चैनल के लिए ये आएगा।